कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवा मोर्चा सम्मेलन में कहा कि इस बार का चुनाव किसी विचारधारा का नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद है। बीते दिनों मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के बल पर पहले उसे बचाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति के चलते चीन को आखिरकार अपने कदम पीछे खींच नहीं पड़े। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार और वर्तमान में प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवा मोर्चा सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित है। इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद है। बीते दिन मसूद अजहर को राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था, जिसे पाकिस्तान चीन के बल पर बचाता रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कारण चीन ने आखिरकार अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में सभी अलगाववादियों पर सख्त कदम उठाए गए हैं। पिछली सरकार उन्हें संरक्षण देती फिरती थी तो कश्मीर में आतंकवाद की जिम्मेदार भी वही थे। कपूर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ घमंडी नेता थे कि चायवाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, जिसका जवाब 2014 के चुनावों में मिल गया था। उस समय वे 543 सीटों पर लड़े थे तो 44 सांसद ही संसद में पहुंचे थे। इस बार तो प्रियंका गांधी ने भी मान लिया है कि वे सभी सीटों पर नहीं लड़ेंगी बल्कि 230 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार 250 में पहुंची कांग्रेस पार्टी इस बार इकाई में सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने युवा मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजाद दिलवाने में कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में मोदी सरकार पर एक भी घोटाले की आंच नहीं आई, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक माह के कार्यकाल में ही सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 850 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, जो कि सबके सामने आया है। कपूर ने कहा कि अंग्रेजों के लूटने के बाद भारत कभी कंगाल नहीं हुआ, लेकिन चंद्रशेखर की कांग्रेस रिमोट कंट्रोल वाली सरकार में आरबीआई ने अपने सोने को गिरवी रख दिया था, लेकिन बीते 5 साल में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है। भारत के खिलाफ बहुत जहर उगलता था और कई वर्षों से उगल रहा था। यूपीए की सरकार रही, वो कुछ नहीं कर पाई और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कूटनीति के कारण आज चाइना ने भी उनके समर्थन में अपने पांव पीछे किए हैं। अब उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। सर, प्रियंका गांधी के बयान को किस तरह देखते हैं? आपने एक बयान का जिक्र भी किया। अब प्रियंका गांधी ने भी ये कहा है कि हम चुनाव सारे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। 230 चुनाव क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ रही है, उन्होंने खुद माना है, उनको हार दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्होंने कहा है, सच्चाई उनके मुंह से निकली है कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ टोकन फाइट देने के लिए चुनाव लड़ रहे। सर, एक गढ़चिरौली में नक्सलवाद का घटना हुआ, 15 कमांडो पुलिस के शहीद हो गए, फिर से नक्सलवाद पनप रहा है। देखिए, नक्सलवादियों ने माइंस बिछाए, वो बेचारे चार। भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद, आतंकवाद जीरो टॉलरेंस होगी। कश्मीर का आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है और सारे वाद जो हैं जिसमें कुछ दलों का अंदर हाथ है, वो देश में इस बात का एक आतंक फैलाना चाहते हैं। ये आतंकवाद जो है, इसकी जन्म जननी कौन है, क्योंकि किन के शासनकाल में ये बात बनते हैं। और इस बार राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद चुनाव हो रहा है और अगली सरकार जब हमारी आएगी, आतंकवाद पर बहुत सारा नियंत्रण पा लिया गया है और
और ये भी अगले दिनों में आप देख लीजिए, जीरो टॉलरेंस, कहीं भी आतंकवादी घटने नहीं होंगे, उस पर पूरे का पूरा अंकुश लगा दिया जाए। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर कहते हैं कि भाजपा के तमाम नेता बुखला गए, उसको किस तरह देखते हैं? जो बुखलाए हैं उनमें बुखलाहट है, उनको अपने जो कांग्रेस दल है उसको संभालना चाहिए। स्टेज से एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं, उनकी अलग अलग राय हैं। कांग्रेस आज बुखलाहट में है।